नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा ने मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उचियारडा की नामांकन रैली निकाली गई, जिसमें जोरदार भीड़ उमड़ी। नामांकन के बाद राजकीय उम्मीद स्टेडियम में सभा हुई, जिसे पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा की नामांकन रैली आज ओल्ड कैंपस से रवाना हुई। इस रैली में उचियारडा के साथ पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार, पूर्व विधायक मनीषा पंवार, कांग्रेस के उत्तर जिलाध्यक्ष सलीम खान, दक्षिण जिलाध्यक्ष नरेश जोशी सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। रैली के राजकीय उम्मेद स्टेडियम में पहुंचने पर वो सभा में बदल गई। सभा को पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधायक दिव्या मदेरना सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया। ये लोग जो 400 पार की बात करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि 400 पार लाकर हम देश का संविधान बदल दें, कि हमें वोट मांगने नहीं जाना है। सत्ता के अंदर बैठ गए तो बैठ गए, दोबारा वोटिंग का सिस्टम ही बन गया। जिस प्रकार से रशिया के अंदर, चाइना के अंदर, कोरिया के अंदर जिस प्रकार का प्रजातंत्र है, ऐसा हमारे यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, इस देश को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, जिसकी वजह से गरीब भी अमीर भी, आम आवाम इस देश का, सब लोगों को जो इज्जत मिली, ताकत मिली, वही संविधान की ताकत है। ये लोग धीरे धीरे जिस प्रकार से इस देश को खत्म करना चाहते हैं, और सिर्फ अपने दो मित्रों को उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। चंदे का धंधा भी इन लोगों ने नया शुरू किया है। आप लोग जाना चंदा मांगने जाते हो, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, चंदा कैसे मिलता है आप लोगों को पता चल जाएगा, चंदा कैसे मिलता है। और